मथुरा में क्षेत्रीय विधायक कारिंदा सिंह ने अपने कैंप कार्यालय पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि गोवर्धन विधानसभा की जनता की समस्याओं को अब वह दूसरे शनिवार एवं तीसरे शनिवार को अधिकारियों की मौजूदगी में सुनवाई करेंगे, जिससे जनता की कोई भी समस्या जटिल समस्या न बने उसका समय से ही निस्तारण भी किया जाएगा। मीटिंग के दौरान उन्होंने गोवर्धन एवं मथुरा जाने वाले यात्रियों व गोवर्धन वासियों के लिए भी सौगात दी। उन्होंने जनता से अपील की कि किसी को भी कोई भी समस्या होती है तो वह नियुक्त किए हुए समय पर उनके कार्यालय पर आकर अपनी समस्या को बता सकते हैं। गोवर्धन में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से आपको बहुत परिवर्तन दिखाई दे रहा है। परिक्रमा में जो लोग आने वाले थे उनके लिए भी कहीं किसी को दिक्कत नहीं हो, उसके बाईपास का निर्माण हो चुका है आपका, और सर्विस रोड भी बहुत बनने जा रही है। मुआवजा काम चल, मुआवजा दिए जा रहे हैं, वो भी निश्चित कर दी गई है कहाँ को कैसे निकलनी है। और मीठे पानी की भी जो लोग आते हैं, अच्छा पानी, शुद्ध पानी उनको पीने के लिए यात्रियों को मिले, वो भी व्यवस्था बहुत शीघ्र होने जा रही है। और जो सबसे बड़ी दिक्कत थी परिक्रमा में, टॉयलेटों की नहीं थी, शौचालयों की नहीं थी, शौचालय भी बन चुके हैं और आगे भी और शौचालय बनाने की व्यवस्था बहुत जल्दी होने वाली है। और स्वास्थ्य के लिए भी जो परिक्रमा देने आते हैं, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उसमें भी और ज़्यादा सुविधाएं यहाँ होने वाली हैं। जो कमी थी उनको निश्चित पूरा किया जा रहा है, कहीं किसी परिक्रमार्थी को यहाँ दिक्कत नहीं हो। हेलीपैड भी आपको यहाँ बन चुका है, उनके पास में ही गौशाला भी आपके पास में पैठे बनी रही है, पैठे में ही हेलीपैड भी बन रहे हैं। कहीं भी किसी को किसी जैसे भी परिक्रमा आदमी देना चाहता हो, चाहे गाड़ी से दे, ई रिक्शा से दे, ऊपर हेलीकॉप्टर से दे, चल के दे,